व्हाट्सअप गाइस, क्या हिंदुओं को बांटना चाहते हैं राहुल गांधी? कास्ट सेंसस, पार्लियामेंट सेशन आज रोनक की वीडियो है और मुझे लगता है उस पर भी बातचीत होगी, जो एक कास्ट को लेकर ये मुद्दा उठाता कि जाति क्यों पूछ रहे हैं, वो हुआ था ना, अखिलेश भी आ गए थे उसके अंदर। देखते पूरी वीडियो, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। दोस्तों, आज तक हमने सुना था कि औरत से उसकी उम्र और आदमी से उसकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए। अब जाकर पता चला है कि एक नेता से उसकी जाति भी नहीं पूछनी चाहिए। हलवा बनाने वालों में किस जाति का कौन है ये पूछने वाले माननीय राहुल गांधी जी से अनुराग ठाकुर ने जब उनकी जाति पूछ ली तो वो ऐसे भड़क गए जैसे किसी दूध वाले से किसी ने ये पूछ लिया हो कि भैया दूध में कितना पानी मिलाते हो। और इस बार तो वो दूध वाला भड़का है जो दूध में पानी नहीं बल्कि पानी में दूध मिलाता है। गजब बेइज्जती है। भरी संसद में राहुल गांधी की जाति पूछ लेने पर पूरा विपक्ष ऐसे भड़का हुआ है जैसे दुर्योधन ने भरी सभा द्रौपदी का चीर हरण कर दिया। लोग सवाल कर रहे हैं कि जब राहुल गांधी लोगों के बीच जाकर पत्रकारों से उनकी जाति पूछ सकते हैं, जब अखिलेश यादव सवाल पूछने पर पत्रकार से उसकी जाति पूछकर उसे शर्मिंदा कर सकते हैं, तो राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ लेने पर दोनों इतना क्यों मिल मिला रहे हैं? इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? दिखा दीजिए, देखिए मजा नहीं। वहाँ कैमरा मैन है भैया। तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं नाम बताओ इनका, क्या नाम बताओ? हाँ मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी कुछ शर्म करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और मजे की बात यह है कि जो कांग्रेसी आज राहुल जी से उनकी जाति पूछ लेने पर अपनी और पड़ोसियों की बनियान फाड़ रहे हैं, और यही लोग कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे ब्रह्मांड को ये बताते फिर रहे थे कि आदरणीय राहुल जी का जाति और गोत्र क्या है, तब तो पूरी पार्टी पूरा जोर लगाकर राहुल जी को ब्राह्मण बताने पर तुली थी, मानो राहुल जी काशी विश्वनाथ मंदिर में मुख्य पुजारी का ऑडिशन देकर आए हो। कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊ धारू धारी हिंदू है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मतलब राहुल जी भरी सभा में लोगों से उनकी जाति पूछकर उनको शर्मिंदा करे वो ठीक, अखिलेश यादव पत्रकारों से उनकी जाति पूछकर उन्हें जलील करे वो भी ठीक, कांग्रेसी खुद आगे आकर राहुल गांधी की जाति का सैटेलाइट चित्र दिखाए वो भी ठीक, और यही लोग दिन रात जातिगत जनगणना करवाने की बात बोलकर लोगों की जाति पूछने की मांग करें तो वो भी जायज है, मगर जैसे ही किसी ने इनकी जाति पूछ ली तो हाय दैया हाय दैया ऐसे करने लगे जैसे किसी ने गुप्त रोगी से उसका रोग पूछ लिया हो। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? अच्छा आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? जैसे तुम पूछते हो किसी का नहीं लिया था। सही बात है। वैसे जानकारों का कहना है कि इनडायरेक्ट ही सही, राहुल जी की जाति पूछकर बीजेपी ने कांग्रेस की दुखती रख पर हाथ रख दिया, क्योंकि राहुल बाबा की असल जाति क्या है इस पर लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये सवाल हम नहीं कर रहे, लोग पूछ रहे हैं कि भैया राहुल बाबा खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण और दत्तात्रेय गोत्र का बताते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि इसमें भी कुछ झोल है। लेखक मिनाज मर्चेंट ने राजीव गांधी की जिंदगी पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है राजीव गांधी द एंड ऑफ अ ड्रीम। इस किताब में मिनाज ने बताया कि राजीव गांधी के पुरखे राजकौल एक कश्मीरी ब्राह्मण थे जो सन 1700 के आसपास एक मुस्लिम शासक के कहने पर दिल्ली में नहर के किनारे आकर बस गए थे। नहर किनारे रहने के कारण ही ये लोग नेहरू हो गए। इससे हमें यह भी पता चलता है कि पंडित नेहरू और उनकी बेटी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ब्राह्मण थी, मगर इन्हीं इंदिरा जी ने 26 मार्च 1942 को फिरोज जहांगीर गांधी से शादी कर ली जो कि पारसी रिलीजन के थे। अब कुछ लोग कहते हैं कि नेहरू जी को फिरोज जी के रिलीजन से दिक्कत थी क्योंकि उस वक्त लोग इस तरह की शादी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो गांधी जी ने फिरोज गांधी को अडॉप्ट कर लिया और फिरोज गांधी ने गांधी जी से इंप्रेस होकर अपना नाम फिरोज गांधी कर लिया। लेकिन इस बात के सबूत नहीं मिलते कि फिरोज गांधी ने पारसी मजहब छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था। अब लोग कहते हैं कि अगर फिरोज गांधी पारसी थे तो इस लिहाज से इंदिरा जी भी पारसी हुई, तो ये लोग फिर ब्राह्मण कैसे हो गए? और अगर ये भी मान लिया जाए कि ये गांधी ही थे, तब भी गांधी तो वैश्य यानी बनिया होते हैं, ब्राह्मण नहीं। फिर राहुल गांधी या कांग्रेस ये क्लेम कैसे करती है कि राहुल जी ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण तो राहुल जी की दादी शादी से पहले थी। कुछ लोग यहीं पर नहीं रुकते, वो ये भी सवाल करते हैं कि सोनिया गांधी जी जो शादी से पहले कैथोलिक क्रिश्चियन थी जिनका नाम एंटोनियो माइनो था, वो राजीव जी से शादी के बाद गांधी हो गई, तो इंदिरा जी शादी के बाद पारसी क्यों नहीं हुई? अब ऐसे कैसे हो सकता है कि चुनावी सुविधा के लिए आप अपनी दादी की शादी से पहले का धर्म यूज कर लो और इसी चुनावी फायदे के लिए आप अपने पारसी दादाजी का सरनेम यूज कर लो, वो सरनेम जो खुद आपके पारसी दादा ने किसी और से ले लिया है। आपको नहीं लगता ये पूरा का पूरा केस अंदाज अपना अपना के असली रवीना कौन है वाले केस से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग? सही पॉइंट है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो पब्लिक फोरम पर नहीं है, ये ऐसे सवाल हैं जो बार बार कई प्लेटफॉर्म पर उठते रहते हैं।
अब यही सवाल पूछने वाले पूछते हैं कि अगर राहुल गांधी अपनी जाति और धर्म को लेकर साफ साफ बात लोगों के सामने नहीं रख सकते, तो वही राहुल गांधी जातिगत जनगणना करवाने की बात बोलकर लोगों से उनकी जाति कैसे पूछ सकते हैं। अब लोगों का कहना है कि राहुल गांधी की खुद की जाति को लेकर ये झोल है, इसी वजह से जब अनुराग ठाकुर ने संसद में ये मुद्दा उठाया तो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस भड़क गई। उन्हें लगा कि किसी ने उनकी दुखती रख पर हाथ रख दिया हो। लेकिन बात सिर्फ राहुल गांधी की जाति की नहीं है। लोगों का कहना है कि आज राहुल बाबा संसद में पैर पटक पटक कर कह रहे हैं कि हम तो जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे, जब तक जातिगत जनगणना नहीं हो जाती मैं किंडर जॉय नहीं खाऊंगा। अरे यार ऐसा कैसे? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल बाबा आप जातिगत जनगणना करवाने की बात कर रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, सब बातें ठीक है, मगर पहले ये तो बता दो कि जब आपकी पार्टी सत्ता में थी तब उसने क्या किया था। सच तो ये कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया उस वक्त भी आर्टिकल 340 में जो ओबीसी को कोटा देने की बात करता था, मगर नेहरू जी ओबीसी कोटा देने के पक्ष में नहीं थे। बाद में इसी मुद्दे पर अम्बेडकर जी नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया था। इतना ही नहीं, 1953 में इसी काम के लिए काका कालेलकर आयोग बना, 1955 में इस आयोग की रिपोर्ट आई, 1961 में इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। ये वो वक्त था जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, यही वो वक्त था जब जातिगत जनगणना भी नहीं करवाई गई। 1948 के जनगणना कानून में जातिगत जनगणना करवाने का कोई प्रोविजन ही नहीं था। आजादी के बाद भारत में साल 1951 में पहली बार जनगणना की गई तो सिर्फ एससी एसटी को ही अलग से जाति के नाम पर लिखा गया। नेहरू जी ने तो यहां तक कहा था कि मैं किसी भी तरह के रिजर्वेशन के सख्त खिलाफ हूं, खास तौर पर नौकरियों में आरक्षण के। मैं ऐसी हर चीज के खिलाफ हूँ जिससे इनएफिशिएंट और सेकंड रेट स्टैंडर्ड तैयार होते हैं। जैसा कि हमने बताया ओबीसी कोटा के लिए पहले कालेलकर कमीशन बना, मगर कांग्रेस ने कभी उनकी सिफारिशों को नहीं माना। प्रेशर बढ़ा तो 1979 में इसी काम के लिए मंडल कमीशन बनाया गया। 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, मगर अगले 10 साल तक इसकी रिकमेंडेशंस को भी नहीं माना गया। 1990 में जब जनता पार्टी की वीपी सिंह की सरकार बनी, जिस सरकार को उस वक्त बीजेपी समर्थन दे रही थी, तब जाकर पहली बार ओबीसी को 27% जॉब्स इन सेंट्रल। उस वक्त भी राजीव गांधी ने ओबीसी रिजर्वेशन का विरोध करते हुए संसद में कहा था कि आरक्षण के नाम पर देश में बुद्धुओं को बढ़ावा मिलेगा। ओबीसी आपके नाना नेहरू जी ने ओबीसी को लिख दिया कि नहीं मिल सकता आरक्षण, दादी ने नहीं दिया आरक्षण, अब ओबीसी चिल्ला रहे हैं। राहुल जी आज जातिगत जनगणना की बात बार बार कर रहे हैं, मगर ये भी सच है कि आजादी के बाद के 68 में से 58 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, इस दौरान जातिगत जनगणना करवाई गई क्या संजू बाबा? नहीं। 2010 के आसपास यूपीए सरकार में बाकी पार्टियों का प्रेशर बढ़ा तो 2011 में जातिगत जनगणना करवाई गई, मगर 2014 तक उसके आंकड़े भी रिलीज नहीं किए गए। मतलब कांग्रेस का ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि इतने सालों तक सरकार में रहने के बाद भी नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी और सोनिया गांधी के सत्ता में रहने या सत्ता का कंट्रोल अपने हाथ में होने के बावजूद जातिगत जनगणना और ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर कुछ किया गया क्या संजू बाबा बताइए? नहीं। इनफैक्ट जो 27% ओबीसी रिजर्वेशन आज आप देख रहे हैं वो भी 1990 में गैर कांग्रेसी सरकार बनाने पर इंप्लीमेंट हुआ था। ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% रिजर्वेशन है वो बीजेपी सरकार के टाइम आई। मजे की बात यह है कि जिस गांधी सरनेम के नाम पर राहुल गांधी आज अपनी सारी राजनीति करते हैं, अपनी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बलिदान की दुहाई देते राहुल बाबा थकते नहीं, उन्हीं इंदिरा जी के वक्त में कांग्रेस पार्टी का एक नारा था, न जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। मतलब जात पात पर वोट नहीं पड़ेगा, सिर्फ हाथ पर पड़ेगा। मगर आज यही राहुल बाबा हाथ धोकर इसी जात पात की राजनीति के पीछे पड़े हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं, ये है हमारी कमजोरी। इसकी कितनी आबादी है हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में सेक्रेटरीज अगर आप देखें तो दलित आदिवासी और ओबीसी वर्ग से सिर्फ 7% आते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत चालू आती है। मकसद क्या है? एक पल के लिए अगर हम इस बात को किनारे भी कर दें कि चलो वो पुरानी कांग्रेस थी, हो सकता है उसकी रिजर्वेशन पर अलग सोच हो, आज की कांग्रेस अलग है, मगर फिर भी सवाल ये खड़ा होता है कि अगर जातिगत जनगणना करवा भी ली तो होगा क्या? कांग्रेस कहती है इससे ये पता लगेगा कि किस जाति की आज क्या स्थिति है, किसके पास कितने संसाधन है। इसलिए 2024 चुनाव से पहले उन्होंने नारा दिया था कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, मगर बिहार हो या कर्नाटक
बार बार ये जब भी किसी राज्य सरकार ने टोटल रिजर्वेशन को 50% से बढ़ाने की कोशिश की है तो उसकी ये कोशिश अदालत में नहीं टिकी। इसका मतलब आज जातिगत जनगणना की बात करके जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन देने की बात कर रही है, उन्हें भी ये पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने कुछ भी नहीं होने वाला। यानी वो रिजर्वेशन बढ़ाने का झुंझुना देखकर सिर्फ पॉलिटिक्स उससे भी आगे जाकर समझे तो जातिगत जनगणना की ये बात सिर्फ हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटने की कोशिश लग रही है। और ये कोशिश हाल के लोकसभा चुनाव में थोड़ी सफल भी हुई, जब कुछ पार्टियां लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो गई कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिल गई तो वो संविधान बदलकर आपका रिजर्वेशन खत्म कर देगी। हम यहाँ फिर अंडरलाइन कर दें बॉस कि हम जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अगर सच में ये काम होता है तो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स अच्छे से चलाई जा सकेंगी, सरकार को पता लग सकेगा कि कौन ज्यादा जरूरतमंद है, किसे मदद की ज्यादा जरूरत है। मगर कोई भी पार्टी अगर जातिगत जनगणना की बात बोलकर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को आपस में बांटना चाहती है तो ये हिंदुओं को तय करना चाहिए कि इस तरह की पॉलिटिक्स से कैसे निपटना है। क्या क्या बात कर रहे, क्योंकि अगर आप बीजेपी को इस बात के लिए क्रिटिसाइज करते हो कि वो धर्म की राजनीति करती है तो आप भी जाति की राजनीति करके उससे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। गलत दोनों ही है, धर्म की राजनीति करने वाला ऐसा करके कम से कम एक धर्म के लोगों को तो आपस में जोड़ रहा है, जातिगत राजनीति करने वाला तो एक ही धर्म की जातियों को आपस में लड़वा कर उस धर्म को ही कमजोर कर रहा है, बताइए। ऊपर से जब हम ये देखते हैं कि इन्हीं राहुल गांधी ने 2010 में अमेरिका के राजदूत टिमोथी रोमर से ये कहा था कि भारत को असली खतरा लश्करे तैयबा से ज्यादा कट्टरपंथी हिंदू संगठनों से, तो शक पैदा होता है कि आपका मकसद क्या है। फिर जब हम ये देखते हैं कि आपके नेता 26/11 के मुंबई हमले को संघ की साजिश बताते हैं तो शक और गहरा जाता है। जब आपका कोई नेता ये बताता है कि सोनिया जी तो बाटला हाउस एनकाउंटर के वक्त एक आतंकी के मरने की बात सुनकर रो पड़ी थी, तब तो भैया हमारी बोलती ही बंद हो जाती। फिर जब सारी दुनिया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाती है, पूरा हिंदुस्तान भगवान श्री राम के अयोध्या आने पर जश्न मनाता है और आप वहां नहीं जाते तो गुस्सा आता है। इतना ही नहीं, आपकी ही पार्टी की नेता राधिका खेड़ा जब ये बताती है कि राम मंदिर के दर्शन करके आने के बाद आपके कुछ नेताओं ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया था तो ये सुनकर सिर शर्म से झुक जाता है। इसलिए मैंने कहा जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जातियों को उनका हक दिलाने की बात करते हैं तो शक होता है कि उनका असल मकसद आखिर है क्या, क्योंकि आरक्षण की सीमा तो बढ़ा नहीं सकते, उनकी खुद की पार्टी ने जातिगत जनगणना कभी करवाई नहीं, ओबीसी रिजर्वेशन के हमेशा वो खिलाफ रहे थे, तो आज ये जाति और ओबीसी की इतनी बात क्यों? और पास्ट में आपने हिंदुओं के खिलाफ जो बयान दिए हैं ना भैया, उससे यही लगता है कि जाति की राजनीति बहाना है, आपको इस जाति के मुद्दे के बहाने हिंदुओं को कमजोर करना, क्योंकि आपको पता है कि हिंदू कमजोर होगा, जातियां बटेंगी तभी आप चुनाव जीतोगे। ऊपर से हंसी इस बात पर भी आती है कि जब आपसे आपकी जाति पूछो तो भड़क जाते हो। आप अपने भाषणों में ओबीसी और पिछड़ों के लिए इतना दर्द दिखाते हो, लेकिन आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति बनने की बात आई तो आप उन्हें समर्थन नहीं देते। जब दलित उम्मीदवार रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाना हुआ तब भी आप साथ नहीं आए, और सारा सामाजिक न्याय आप इस चीज में ढूंढते हैं कि हलवा सेरेमनी में कितने ओबीसी थे। कौन है ये लोग, कहां से आए? या उस दिन मोदी जी जब सड़क किनारे गन्ने का जूस पी रहे थे तो उनके साथ कितने दलित थे? मतलब आपको ये नहीं दिखता कि देश का पीएम ओबीसी? आप इस बात से भी खुश नहीं है कि देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी समाज से? मगर आपको ये सोच सोच कर रात को नींद नहीं आती कि उस हलवा सेरेमनी में कितने ओबीसी? मतलब हद है खलिहरपन की, हद है। वैसे लोग तो इस बात की कुंडली निकाल कर बैठे हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने ओबीसी है, वो तो आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि आपके तीन मुख्यमंत्रियों में से कौन किस जाति का है, और तो छोड़ो इन तीन राज्यों में जो मुख्य सचिव हैं उनमें कितनी निचली जाति के हैं, बताइए। मैं जानता हूं इतने सारे सवाल जो आपसे हमने इस वीडियो में पूछे हैं ये आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गए, इसलिए जाते जाते उस सवाल का तो जवाब दे ही दीजिए जो अनुराग ठाकुर ने संसद में पूछा था, जिसके बाद से अब तक आपके समर्थक गर्म तवे पर फेंके गए पानी की छींटों की तरह फड़फड़ा रहे हैं, और अब क्या ही बोले। बाकी आप लोगों का हेलो, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपका इस पे कुछ कहना है तो कमेंट करके जरूर बताना, राहुल जी से कुछ पूछना है तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जातिगत जनगणना की जरूरत और इस पर हो रही पॉलिटिक्स पर आप क्या सोचते हैं वो भी बताइएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में डिटेल में आपसे बताएंगे और ये बताएंगे कि ये क्यों इसके बारे में इतना बोला जा रहा है। वीडियो पसंद आई हो, सही लगी हो तो हमारी बड़ी हेल्प होगी अगर आप ये और भी लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये और भी लोगों तक पहुंचे, ये बात, ये सच सबका जानने का हक है। तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फैमिली। एक बात बताओ मुझे, जब आप जाति जनगणना करोगे तब भी तो आप लोगों से जाति पूछोगे, तब वो ऑफेंडेड फील नहीं करेंगे तब? हाँ।
अगर जिस तरीके से यहाँ पर ऑफेंड हो गए सारे, और फिर क्रोनोलॉजी ये समझ नहीं आती, हिपोक्रेसी मुझे समझ नहीं आती, फिर जब आप मीडिया में ही ऑन द ऑन स्पॉट कैमरे के सामने जब आप पूछते हो कि पत्रकार से आप कौन सी जाति के हो, अच्छा इस जाति के, हाँ तो इस जाति के तो शर्म करो बोला ना, नहीं शर्म अच्छा। तो इसलिए क्वेश्चन के लिए बोला होगा ये क्वेश्चन करते हुए कि वो जो क्वेश्चन पूछा उसी कॉन्टेक्स्ट में जाति बोल रही हूँ ना, डायरेक्ट बोल देते उससे जो भी उसने क्वेश्चन करा बात ही होगी कि मीडिया से तो बिल्कुल ही मत पूछो जाती भाई, देखो अगर तुमसे क्वेश्चन कर रहे तो तुम उसकी कास्ट पूछ के जवाब दोगे पहले को आप एक चीज होगी, फिर हैरानी तब होती है जब एकदम से वहां पर जब ये बात हुई यहाँ पर उसमें पार्लियामेंट में तो अखिलेश किस तरीके से वो बात करता है, नहीं जाति कैसे पूछ सकते हैं, पूछ सकते हो या उस टाइम पे ना ऑन द स्पॉट इनकी वो प्ले करके दिखाओ कि ऐसे पूछ सकते हैं, तो ऐसा होना चाहिए एकदम से क्या होता है काउंटर करने के लिए ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन करके रुको क्या है, अच्छा मेरे पास एक वीडियो है रुको ये प्ले करो अब बता, तो ठीक है भैया राजनीति भाई साहब बहुत गजब चीज है, इसमें आदमी मौके पे चौके मारते हैं कि किस टाइम पर किस तरीके से खेलो, लेकिन ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पर लोग बैकडेटेड वीडियो भी उठा लेते हैं, हर चीज उठा लेते हैं और कहते हैं भैया अब इसका जवाब दीजिए, आपने पूछा था ठीक है, मुझे लगता है कि भाई जरूरतमंद सबसे पहले एक चीज देखी जानी चाहिए, और ऊपर से ये देखो कास्ट अगर आप पूछ रहे हो तो ये बताना चाहिए फिर आपको, और क्योंकि मैं तो किसी और से नहीं कहता, इन्हीं की पार्टी वो कर रही थी, ये ब्राह्मण है इनकी पार्टी कर रही थी ना, और फोरम में हमेशा डिबेट चलती रहती है कि क्या कास्ट है उनकी किस तरीके से, तो ऐसा मतलब ऐसा रौद्र रूप या फिर इस तरीके से काउंटर करो, लेकिन थोड़ा उस तरीके से करो ना कि जो चीज आपने वैसे करी ना हो, फिर इंटरेस्टिंग था, बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं इस बारे में, मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय बाय टेक केयर।